नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें एटा से। शहनाइयों के बीच हुई फायरिंग, घर में पसरा मातम, खबर बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी एटा से। एटा जिले के जरथरपुर थाना क्षेत्र के गांव फद्दपुरा में एक शादी समारोह के दौरान कन्यादान के वक्त रंग लगाने की रस्म में बारातियों और गांव के लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना गहराया कि खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। विवाद शुरू होते ही जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई, जिसमें एक महिला की कनपटी में गोली लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गोली लगने से घायल एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया है। पुलिस ने मृत महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं गोली लगने से घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर देखकर हायर सेंटर रेफर आगरा कर दिया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला अस्पताल आए, क्या घटना हुई है संपाल जी आपके साथ? जिला अस्पताल आए, क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना क्या हुई है? गोली मारी। किन लोगों ने गोली मारी है? गांव वालों। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? रंग के पीछे। कौन लोग थे इन लोगों ने गोली मारी है? गांव वाले थे। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? पुरानी रंजिश तो हमें पता ना, हमारे भाई रहते थे संभाल में। कितने लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ से? लगभग दो तीन लोग हैं। तीन लोग घायल हुए हैं। आपने थाने में सूचना दी? थाने में सूचना बाद मिली, जब सौ नंबर वाले पहले मिली। किस असले से गोली मारी थी उन लोगों ने? कितने लोग थे लगभग? वो लगभग 30-35 लोग हैं। 30-35 लोग। आज सुबह लगभग 7 बजे थाना जसरतपुर क्षेत्रांतर्गत गांव फर्दपुरा में मेहंदी की रस्म हो रही थी और उसमें रंग इत्यादि का भी कार्यक्रम होता है। उसी दौरान जो लड़की पक्ष के हैं उसमें कुछ रिश्तेदारों में वाद विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक महिला की गोली लगने से मृत्यु हो गई है तथा एक व्यक्ति घायल बताए गए हैं। एक व्यक्ति को कंधे की चोट बताई गई है। इस घटना में संदिग्ध लोग कुछ लोगों को पुलिस हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ये लोग दे रहे हैं और पुलिस ने जितने भी संदिग्ध अपराधी थे कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और संदिग्ध स्थानों पर तलाशी और छापेमारी की कार्रवाई अभी चल रही है।